नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरीशा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। कोरोना फिर से अपने पैर पसारने लगा है। उत्तराखंड राज्य में फिर से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। जहां कुछ दिन पहले प्रदेश में एक मरीज में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी, तो वहीं सोमवार को तीन और मरीजों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके चलते ही सब में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में ओमिक्रॉन पॉजिटिव तीन नए मरीज हरिद्वार और देहरादून में पाए गए हैं। इस प्रकार राज्य में ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की संख्या चार हो गई। नए ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुड़ा ने बताया है कि एक 28 साल का व्यक्ति यमन से भारत आया और जिसका सैंपल मेला चिकित्सालय हरिद्वार द्वारा कोविड 19 जांच के लिए भेजा गया और वह कोविड पॉजिटिव पाया गया है। पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेट कर आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में राजपुर रोड देहरादून में रहने वाले दो मरीज 74 साल के एक पुरुष और 34 साल की एक महिला में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि होनी हुई है। ये दोनों मरीज दुबई से लौटे थे और परिवार के संपर्क में आए थे। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों को लेकर खतरा बरकरार है। राज्य के चार जनपदों में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं, वहीं किसी मरीज की मौत नहीं हुई। राज्य में बीते दिन कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में बीते दिन 20 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसमें देहरादून जिले में 12, नैनीताल जिले से 2, उधम सिंह नगर से 5, चंपावत से 1 सैंपल पॉजिटिव मिले। तो ये थी कोरोना मामले से जुड़ी कुछ खास खबर। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहें जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।